कपास से बना सफेद हंस सा कोमल रेशा बुनने चला है एक नई कहानी। बहुत सालों पहले जम्मू कश्मीर में आतंकवाद से पीड़ित हजारों परिवारों को अपना घर छोड़कर जम्मू के नगरोटा तालुके में शरण लेनी पड़ी थी। खादी और ग्राम उद्योग आयोग की पहल पर 2016 में नगरोटा में एक खादी रुमाल सिलाई सेंटर की शुरुआत की गई, जिसने वहां की सैकड़ों महिलाओं की जिंदगी में एक उम्मीद की किरण जगाई। कहीं कोई किसान रुई उगाता है, कहीं कोई कत्तिन रुई को काटती है, तो कहीं कोई बुनकर उस धागे को कपड़े का आकार देता है। फिर इस कपड़े को नगरोटा की बहन और बेटियां रुमाल की शक्ल देती हैं। इन रुमालों के धागे सिर्फ धागे नहीं, इस देश की कितनी बहनों के और बेटियों के अरमानों के धागे। नगरोटा की ये बहनें और बेटियां बनकर आत्मनिर्भर पिरो रही हैं भविष्य के धागों पर अपने परिवार का अंधेरों से उजाले तक का एक खूबसूरत सफर। अपने अरमानों और आशाओं को गढ़ती हैं सादे और सच्चे रुमाल की शक्ल में। कपास का वही कोमल रेशा सजाने चला है एक नया सवेरा उनके आने वाले कल में। हम श्रीनगर से माइग्रेंट हुए हैं। हम इधर 10 बजे से 2 बजे तक आते हैं और 150 से 200 तक कमा लेते हैं। मेरा नाम निर्मल है, मैं कश्मीर से माइग्रेंट आई हूँ। यहाँ पे हम खादी का काम करते हैं और प्रेस कर माल प्रेस करते हैं। हमें ऐसे आशा करते हैं कि हमें और भी काम आगे मिले। नमस्कार, मेरा नाम मोनिका है और मैं यहाँ खादी कमीशन की तरफ से जो सेंटर खुला हुआ है वहाँ कटिंग का काम करती हूँ। हम चाहते हैं कि ये सेंटर आगे तक चले और ज़्यादा उन्नति करें, कि जिससे आज 100 महिलाएं जुड़ी हुई हैं और हजारों के हिसाब से महिलाएं जुड़े और उनको रोजगार मिले और अपने दम पर वो कुछ ना कुछ कमा कर यहाँ से घर जाएं। इस सेंटर की वजह से बहुत सी महिलाओं का जीवन में बहुत ज़्यादा तरक्की हुई है, जो जिनके घर की दिनचर्या भी इसी से ही चल रही है। मेरा नाम मखना देवी है, मैं एज ए सुपरवाइज़र इधर काम करती हूँ। आज से जहाँ पर 4 साल पहले खादी का काम शुरू हुआ था, बहुत सारी महिलाएं जो जहाँ पर काम करती थी, जो उनके पास थोड़ा टाइम बचता था वो क्या करती थी, इधर 3-4 घंटे लगाकर काम कर लेती थी। उससे क्या उनकी जो आमदनी बन गई। अभी जो नए रुमाल वगैरह बनाने के लिए वो आए हैं, तो ये बहुत ही अच्छा काम मिला है यहाँ की महिलाओं को। और हम खादी वालों को और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का तह दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, जो इन महिलाओं को काम मिला है घर बैठे। खादी का एक रुमाल सिर्फ रुमाल नहीं, हजारों धागों के ताने बानों से बुनता रोजगार का एक साधन है। घर से मस्जिद है बहुत दूर, चलो यूं कर लें किसी रोते हुए बच्चे को हंसाया जाए।